बहुत दिन के बाद एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, बिकॉज अभी मैं हूँ कोलकाता के अंदर, आप देख सकते हैं वॉकिंग कर रहा हूँ। और अभी मैं जा रहा हूँ एक खास जगह पर जो है यहाँ का जू, अलीपुर जगह है, वहाँ पर एक जू है, तो जू में घूमने जा रहा हूँ। तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बना लूँ, बहुत दिन से कोई वीडियो भी नहीं आ रही है, लेकिन मुझे थोड़ा सा इंस्पिरेशन मिला क्योंकि अभी अपनी फैमिली जो है 1K होने वाली है, 1000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, और अभी तक आपने किया है तो फटाफट करिए ताकि जल्द से जल्द अपने 1000 कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि इस जू के अंदर क्या क्या है, कौन से एनिमल्स मिलेंगे हमें, सो एंजॉय करेंगे वीडियो को, लास्ट तक बने रहें। और प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो अभी थोड़ी ही दूर है, वॉकिंग ही कर रहा था थोड़ा सा ताकि कोलकाता और अच्छे से पता चले। तो और भी वीडियो आने वाली है कोलकाता के, जैसे कि शाम को हावड़ा ब्रिज भी जाने वाला हूँ, तो वहाँ जाके भी हम जो है शूट करेंगे नाइट टाइम का। तो अभी हम जू के पास पहुँचने वाले हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ फ्रंट कैमरे से, टिकट निकालनी पड़ेगी, टिकट लेके फिर हम चलेंगे अंदर। तो टिकट मिली है 50 रुपये की टिकट मिली है, तो अभी करते हैं एंट्री। और एक बात कोलकाता की, ये वाली टैक्सी जो है ना इंडिया में कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ कोलकाता के अंदर ही मिलेगी आपको, अभी भी चल रही है, बहुत सारी टैक्सी, एक नहीं दो नहीं, कई सारी ऐसी पीली टैक्सी मिलेगी जो एम्बेसडर ब्रांड था हिंदुस्तान मोटर्स का, वो ब्रांड यहाँ अभी भी कायम है कोलकाता के अंदर, देख सकते हैं बहुत सारी टैक्सी ऐसी मिलेगी। फेवरेट टैक्सी है कोलकाता की, फेवरेट। ओ तो ये है गेट, वो तो ये हो चुकी है हमारी एंट्री पार्क के अंदर, और बहुत ज़्यादा हरा भरा सा ये गार्डन, इस साइड से शुरू करें, चलो कुछ अच्छे अच्छे दिखा देते हैं आपको, रियल रियल एनिमल, बट है वो ग्रास के बने हुए हैं, कितने सुंदर है देख लो, एलिफेंट है, जिराफ है, अंदर जा सकते कि नहीं जा सकते, इसके अंदर तो नहीं जा सकते, ये गेट पे ही लगे हुए हैं, देखो कितना अच्छा नज़र आ रहा है, थोड़ा सा झूम करके दिखाता हूं इन लोगों को आपको, ये देखो पार्क के अंदर एज इट इज़ कॉपी किया गया है, घास या कौन सा ही है पता नहीं, उसके ऊपर किस ग्रास का ये बनाया है, लेकिन बहुत एकदम अट्रैक्टिव, जैसे कि हूबहू लग रहा है। डांस पहला ही, इसके बाद थोड़ा सा अंदर जाके देखते कि क्या क्या है यहाँ पर। सो यार पसीना आ रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, लेकिन अच्छा लग रहा है कि कुछ कोलकाता के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। और अभी है बरसात का मौसम, तो बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, आज भी थोड़ा सा दिख रहा है कि बारिश आ सकती है। ये देख लो, रियल वाला तो मिला नहीं, पोस्टर वाला देख लो, लेकिन लग तो रहा है असली पोस्टर वाला भी असली है, पोस्टर वाला, ये देख लो पोस्टर है, यहाँ से देख लो आगे, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, इधर एक खड़ा है, वो एक खड़ा है उधर, ये देख लो कितना डिज़ाइन है उसके ऊपर शानदार, जैसे पेंट के पट्टे मारे हुए, पता नहीं यार, ये देख लो आ रहा है, ये दिख जा रहा है, चलो इतना काफ़ी, अभी नेक्स्ट देखते हैं क्या आगे भी कुछ है, देखते क्या है। अच्छा ये वाला क्या बोलते हैं आपके इधर उसको, हमारे इधर तो शाहमुर्ग बोलते हैं, शत्रुमुर्ग, शत्रुमुर्ग है, कितना बड़ा पंछी देख लो, भागता भी बहुत तेज है ये शत्रुमुर्ग। चलो नेक्स्ट, ये देख लो कितनी ग्रीनरी अंदर, सो क्यूट, सो क्यूट, सो क्यूट, छोटा सा हिरन, देखो बछड़ा है, किक्की, अरे यार व्हाट इज दिस, कौन सी मुर्गी है ये, कौन सी मुर्गी है, देख सकते हो ये भी एक अलग ही पंछी है यार, देख लो है ना, अच्छा इधर भी एक है, ये देख लो मोर, मोर की तरह है, बस देखो दिखने में कितना सुंदर है, मोर की तरह है बट पीछे मोर की तरह नहीं है, गर्दन आगे है मोर की तरह उसकी, पता नहीं कौन सा है ये पंछी, फिर तो जा रहे ना दिख नहीं रहा, ये देख लो दिख रहा होगा आपको, भी दिख रहा है, आ जाओ इधर, आ जाओ, आ नहीं रहे, अंदर भी बहुत सारे हैं और इधर भी हैं, सुंदर है बड़े बड़े, चल आगे चलते हैं। जो आप बोले
तो ये जू का सेंटर पॉइंट, और ये देख लो कितना अच्छा यहाँ पर फूल का नज़ारा है। ऐसे अपने घर में होना चाहिए ना, ऐसे गाड़ी पार्क करने के लिए पीछे बंगला। बदक या कौन सा है, कौन सा इसको डक, हाँ बदक ही तो है, डक ऐसा रही है अंदर। क्रोकोडाइल, 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 दो देखो, दो तीन बैठे छोटे, नहीं दिख रहा है इतना, झूम नहीं हो रहा है, लेकिन वहाँ तीन चार बैठे, उधर भी बैठा एक, और ये दो तीन, ये देखो काला उधर एक, ये दो छोटे छोटे, बहुत खतरनाक चीज़ होती है। ये देख लो फिर बड़े बड़े हिरन, मुझे लग रहा है इस ज़ू में शेर चीता ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा हिरन ही है ना। मुझे अभी तक सांप दिखाई दिए ना, शेर दिखाई दिया है, एक तो क्रोकोडाइल देखे अलग से, जेबरा देखा, और ये हिरन ही हिरन है पूरे। ओहो तो यहाँ है वो खजाना जो मिलेंगे, खतरनाक खतरनाक सांप और अजगर, देख सकते हैं एंट्री यहाँ से, ये एंट्री है यहाँ से, तो इसके अंदर है अजगर और सांप, देखते हैं भी क्या ऐसी लिखा है। अरे कहीं है, ये जो दो सांप है ना, रसल वाइपर और किंग कोबरा, सबसे ज्यादा खतरनाक सांप है, जहरीले, खतरनाक जहर होता है इनके अंदर। यह है पाइथन, देखो लकड़ी के अंदर बैठा है, सुस्त होकर सो रहा है, जो लकड़ी है ना उसके अंदर बैठा है, देखो उधर एक सो रहा है उसके अंदर, तो उस लकड़ी के अंदर एक है, उधर उधर ये भी बहुत खतरनाक सांप है, ये भी बहुत कचरा छोटा सा इसके अंदर अंदर है कहीं, लेकिन इसका इसका बहुत खतरनाक, बिना घर का सांप लेकिन बहुत लंबा, देख सकते हो बहुत लंबा सांप है, काटता नहीं, अगर काट भी लिया तो इसे मरते नहीं, ना जहर चढ़ता इसका। ये देखो इसके अंदर कितने बैठे हैं पाइथन, ये देखो उधर सारे सो रहा है पानी के अंदर, देख लो क्या है यहाँ पर। ओहो थोड़ा जताएंगे, तो ऐसे तो आम बातें, बंदर तो हर जगह होते हैं, लेकिन ये बंदर नहीं आ रहे, कुछ अलग पंछी, देखता हूँ क्या है। मुझे एक कछुआ भी दिखा है, वो देखो पंछी अंदर बैठा हुआ है, लेकिन उससे पहले देख लो कछुआ, ये कछुआ जा रहा है, जाओ जाओ जाओ, ये कछुआ है, वो है अंदर पंछी, वो देख लो है ना, काफ़ी बड़ा एरिया यार अंदर, थक गया मैं चल चल के, ऐसी बात नहीं है, एक पूना में है ना, पुणे में काकरेज के पास है, किसी ने देखा हो तो उसको भी कभी एक्सप्लोर करूँगा, वो भी अच्छा जू है, उसमें भी सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। एक छोटा सा ब्रिज, मच्छी इसमें, डोगरा डोगरा महल बना रखा है उनके लिए यहाँ ऐसा आदमी का घर नहीं होता, ऐसा घर बना रखा है उनके लिए, देख लो दो खड़े, दो
दो तीन है, अंदर भी है, घर के अंदर भी है। कैसा महल है उनके लिए देख लिया, देख लो अभी यहाँ से दिख रहे, एक बैठा हुआ है, दो तीन खड़े हैं बछड़े, गर्दन स्विप लंबी इनकी, इतनी देखो कितनी लंबी गर्दन है। तो ये है जिराफ, कल क्या आगे पिकॉक, मोर 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 वाइट मोर है, और ये वाला थोड़ा सा कलरफुल है। इसके अंदर शेर बट दिखेगा नहीं, इसके लिए चाहिए जूमिंग कैमरा, और मेरा है छोटा सा मोबाइल, इधर बैठा हुआ है छोटा सा, एक शेर छोटा नहीं काफ़ी बड़ा है, दूर बैठा है तो दिखेगा नहीं। चलो एलिफेंट देखते हैं, आगे एलिफेंट है, पैरट पोपट पोपट, ये है एलिफेंट, हाथी राजा कहाँ चले, ये है हाथी राजा, ये सबसे क्लियर दिखा क्योंकि इतना बड़ा जानवर है और बहुत सामने आया हुआ है ये, बाकी तो आपको टिकटॉक वीडियो में नज़र नहीं आया होगा। दो हाथी है, यार ये कौन से तोते, कितने बड़े बड़े तोते देख लो, जो पोस्टर पे दिखे ना वैसे अंदर बैठे उड़ रहे, देख लो बाप रे बहुत बड़े बड़े तोते यार ये, देखो उधर तीन चार बैठे, कितने मोटे मोटे यार, गिदड़ की तरह, देखो इस टाइप के सारे कलरफुल अलग अलग कलर के हैं, देखो ऊपर टहनियों पे बैठे हैं, उधर से दिखाता हूँ थोड़ा जाके, फूल पौधे बहुत सुंदर सुंदर होते हैं यार झूके, है ना गार्डन में जो भी है ना, देख लो कितना सुंदर छोटा सा ब्रिज बना रखा है इन्होंने। वॉकिंग के लिए अच्छा ट्रैक है, लेकिन 50 रुपये रोज कौन देगा। अरे बाप शेर है, टाइगर बैठा है उधर, क्या सुंदर सुंदर कटिंग कर रखी है, देखो पौधों की पेड़ों की, फोटोशूट पॉइंट अलीपुर जू का लेता हूँ। देख लिया मैक्सिमम जो चीज़ें थी दिखा दी मैंने, हाथी लाइन अगर देख लिया तो मैक्सिमम पार्क का जो भी एनिमल है खत्म हो चुका होगा। तो अभी चलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, मैं आपको दिखाऊंगा कोलकाता का फेवरेट हावड़ा ब्रिज, नाइट के समय बहुत अच्छा लगता है वहाँ पर लाइटिंग वगैरह, सो वहाँ जाएंगे, देखते हैं वहाँ का क्या सिनेरियो है, कैसा नज़र आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बना रहा हूँ उसको, ये वीडियो इधर ही क्लोज करेंगे क्योंकि अभी देख लो वहाँ से एग्जिट आ चुका है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।